आए हुए बहुत लंबा वक्त हो गया, और आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं आई थी, जुलाई में आई थी पिछले साल, और सबसे पहली जगह जहां मैं गई थी वो था स्लम। मैडम के साथ ही गई थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, यहाँ पे पूछने की एक परंपरा है, करने की परंपरा नहीं है। आज तक किसी ने भी आप लोगों के बारे में नहीं पूछा है, किसी ने भी नहीं। और मैं ये बात बहुत ही खुल के यहाँ पे कह देती हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी चल रही है वो लोकतंत्र में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैंने असली लोकतंत्र देखे हैं, पूरी दुनिया के असली लोकतंत्र देखे हैं। यहाँ पे सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहता है। मैंने सब कुछ देखा है पिछले एक साल में। आप लोगों के साथ जो भी घटना घटी है, जो बुलडोज़र लेके ये लोग बार बार आए हैं, बारिश में आप लोगों का घर जो इन्होंने तोड़ा था, मुझे सब याद है। वो जो बाढ़ आई वो भी मुझे याद है। बाढ़ की चर्चा हुई लेकिन उस बारिश में आप लोग रास्ते पे रहे, उसकी चर्चा किसी ने नहीं की। यही सच्चाई है ना? इन लोगों के बंगला के पीछे में जो स्लम है उसमें एक बच्चा जिंदा भी नहीं रहा इसी बारिश की वजह से। कोई चर्चा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आया, किसी को कुछ भी नहीं पड़ा। से आते हैं तो मीडिया के लोग और कहते हैं कि अरे फलाना बाबू तो गरीबों के मसीहा है, लालू जी के बारे में कहते हैं, उन्हीं के पीछे तो आप लोग रहते हैं ना। अगर कोई गरीबों का मसीहा है और 15 साल तक मुख्यमंत्री था, चाहे खुद रहे या उसके परिवार का कोई सदस्य, तो गरीब कैसे हैं? तो बिहार में गरीब नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं लोगों के घर के पीछे गरीब क्यों है? इसके अलावा दूसरे स्लम में जब हम गए तो वहाँ पे पता चला कि उन्हीं के पुत्र का मकान था और जो रास्ता था उसको उन्होंने उनके पुत्र ने बंद करा दिया, लेकिन इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। यहाँ पे खड़े होके भाषण देंगे, आप लोगों ने बहुत भाषण सुने हैं, पर क्या है लगता होगा ना मन में, तो जो विश्वास है जो कि खत्म हो गया है कि कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी मकान बन सकता है। और तो कुछ नहीं चाहिए आप लोग को, ये लोग बार बार उजाड़ते हैं, आप लोग बार बार बनाते हैं। मैंने कितनी बार तो एक साल में उजड़ते हुए देखा और आप लोग को फिर से बनाते हुए देखा। मैं आई हूँ इस वजह से कि सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो आप लोगों के लिए मकान बनाना है। नहीं बनाने का इन लोगों ने कारण दिया है इतने लंबे अरसे से, जमीन नहीं है। ये कहते हैं ना, हज भवन के पीछे में जब मैं आई थी एक साल पहले तो एक पुलिस के लिए बन रहा था, वो बन गया। लेकिन उसके बगल में जो आप लोग रहते हैं उनके आज तक नहीं बना। मुझ में, आप में, लालू जी में, तेजस्वी जी में और नीतीश जी में क्या अंतर है? हम सबको इंसान ही है, कोई अंतर नहीं है। अंतर बस है एक गिरी हुई सोच का। इस राज्य में जितने नेता हैं जो खुद को नेता कहते हैं, मैं उनको नकली नेता कहती हूँ, सबकी सोच गिरी हुई है। और मैंने असली लोकतंत्र देखा है। अगर किसी असली लोकतंत्र में ऐसा होता कि 40-50 साल से लोग किसी के बंगलों के पीछे में रहते हैं और इस बंगलों में रहने वाले लोग हमारे ही टैक्स के पैसे पे रहते हैं, तो क्रांति होगी रहती। वो क्रांति मैं करने आई हूँ आप लोगों के लिए। और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये लोग सब एक ही तंत्र के हैं, सब, मीडिया भी। अगर ऐसा कहीं होता कि किसका काम है पूछना, मीडिया का काम है जो इन लोगों के लिए बैटिंग करते रहते हैं, तो उनका काम है ना कि उसे जाके पूछे कि साहब आप खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं तो आपके घर के पीछे स्लम कैसे है? लेकिन कोई नहीं पूछता और कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सब एक ही हैं।
चल रहा है मैं उसको ख़त्म करने आई हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे बस एक ही काम करना है। पहला काम उस स्लम में, उनके मकान के पीछे में जो स्लम है उसमें जब मैं गई थी तो छोटी सी बच्ची थी, मुस्कान नाम है उसका, उसने मुझे बोला था कि उसको डॉक्टर बनना है। और उससे मैंने पूछा था कि मुझे उसके सामने में जो मंत्री जी का बंगला था, पूछा था कि आपको उसमें जाना है, उसने कहा था हाँ मुझे वही करना है। चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन उस बंगला में उसको लेके जाना है। और जितना ही ये लोग हम लोग के पैसे का, कहते ना हिंदी में एक शब्द होता है फफड़ दलाली होता है, सुने होंगे ना सब आदमी, हम लोग कहते हैं अपने भाषा में, वो जो हम लोगों के पैसे से कर रहे हैं इन लोगों को सारे कोठियों से खाली कराना है। और वो कराने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और एक और भी बात कह दूँ, जब मैं एक अन्य मार्ग में अगर मेरा हो गया और मैं रहने गई, एक दिन भी नहीं रहूँगी, एक दिन भी मैं अन्य मार्ग में नहीं रहूँगी। वो मकान अगर रहेगा तो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला। जब तक घर बना के नहीं दूंगी, ये भी सुन लीजिए, तो पटना में जहाँ रहना होगा कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको हटा नहीं सकता, और अगर हटाएगा तो फिर मैं उनके सामने आऊंगी। सारी बातें कोई भाषण वाली बातें नहीं है, दो चीजें इसमें समझने वाली बात है। एक ये पता कर लेना है कि कुर्ता पजामा पहन के जो भी नाटक करने के लिए लोग आते हैं उनकी बातों में नहीं आना है, उनकी बातों में नहीं आना है, अपनी वजह से नहीं, अपने बच्चों की वजह से। उनका भविष्य मुझे बनाने दीजिए। आप लोग का तो दिन बीत गया है, अब तो वापस आपको स्कूल लेके नहीं जा सकते, उनको तो लेके जा सकते हैं ना, उनको स्कूल लेके जाने दीजिए। उनको मैं नहीं चाहती कि स्कूल में झाड़ू लगाना पड़े, वो भी मैंने देखा था, वो भी देखा था कि अपने स्कूल में वही बच्चे स्कूल ड्रेस पहन के किताब नहीं पढ़ रहे लेकिन झाड़ू लगा रहे, उनका काम नहीं है ये। और ये सबक मैं नहीं चलने दूंगी, और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे देश के जो लीक लोग हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी।